हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं टेकेट बॉक्स चैनल। आज हम अनबॉक्स करेंगे एग्रीफायर के X3 प्लस। X3 की अनबॉक्सिंग हो चुकी है, जिसको देखना है आई बटन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इसको देख सकते हो। इसके अंदर आपको दो वर्जन मिलेंगे, इंग्लिश और चाइनीज वर्जन। X3S जो है वो इनका इंग्लिश वर्जन है, X3 प्लस इनका चाइनीज वर्जन है। भाई मैंने इंग्लिश वर्जन ही मंगवाया था, लेकिन सेलर ने मुझे चाइनीज वर्जन भेज दिया है। बाकी सारी चीजें इसके अंदर सेम है, फीचर्स वगैरह सब चीजें बाकी सेम है इसके अंदर, सिर्फ इंग्लिश और चाइनीज वर्जन का इसके अंदर आप लोगों को फर्क मिलेगा। 4000 रुपए इसकी प्राइस है और भाई 4000 रुपए के अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल के फीचर इसके अंदर देखने को मिलेंगे। एपटेक कोर्स इसके अंदर आप लोगों को मिल रहा है, कॉलकॉम की 3040 चिप इसके अंदर आप लोगों को मिल रही है, IP55 डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ रेटिंग इसके अंदर आप लोगों को मिल रही है, और भाई सिंगल चार्ज के ऊपर आप इसको कंटिन्यू 8 घंटे तक इसको यूज कर सकेंगे। तो सारी चीजों को देखते हैं, साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ, कॉलिंग फीचर, गेम मोड भी इसके अंदर आप लोगों को मिलता है, तो गेमिंग टेस्ट भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। सारी चीज देखने के बाद आप फैसला कर सकते हैं क्या ये ईयरबड्स लेने चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। बॉक्स आप देख सकते हैं भाई, इस तरह का आपको बॉक्स मिलेगा, और X3S का जो इसका इंग्लिश वर्जन है उसका आपको बॉक्स ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा। ऊपर ही आपको एडिफायर की ब्रांडिंग मिल जाती है, ईयरबड्स को बनाया गया है। साइड में मैं आपको दिखा दूं, X3 प्लस इसका मॉडल नंबर है। बैक साइड पे भाई सारी चीजें चाइनीज में लिखी गई है। जो चीजें मुझे नंबरों से समझ आती हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ब्लूटूथ 5.2 के साथ आते हैं, 28 घंटे की बैटरी टाइमिंग है, IP55 डस्ट एंड वाटर प्रूफ रेटिंग मिल रही है, क्वालकॉम एप्टेस कोड इसके अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं, CVC 8.0 टेक्नोलॉजी इसके अंदर आप लोगों को मिल रही है। और भाई आप लोगों को बता दूं, क्वालकॉम एप्टेस कोड SBC इसके अंदर मिल रहा है, AAC का सपोर्ट इसके अंदर आप लोगों को नहीं मिलेगा। बॉक्स ओपन करोगे तो भाई इस तरह के हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको पैक हुए हुए ईयरबड्स मिल जाएंगे, एक टाइप सी वाली चार्जिंग केबल मिलेगी, और चार्जिंग केबल इसके अंदर आपको अच्छी वाली मिल रही है, 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर ट्विस्ट मिलेंगी, एक यूजर गाइड मिलेगी। और भाई आपको दिखा दूं, दोनों साइड पे चाइनीज में ही लिखा गया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं आप लोगों को दिखा दूं, ऊपर ही आपको एडिफायर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और भाई पूरा का पूरा केस आपको मैट फिनिश में मिलेगा, प्लास्टिक मटेरियल वगैरह काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया है। बैक साइड पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगी और नीचे कोई फालतू प्रिंटिंग नहीं है। लिट को ओपन करके मैं आपको दिखा दूं, लिट की क्वालिटी ठीक ठाक है भाई, जरा भी नहीं हिल रही है, लेकिन ये रुकती नहीं है यहाँ कर। या अभी देखो, जैसे आप ओपन करोगे तो ये बंद हो जाती है। अंदर ईयरबड्स रखे भी मिल जाएंगे, ईयरबड्स के ऊपर आप ये देखें X बना हुआ मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट लिखा हुआ मिल जाएगा। अंदर से भी आप ये देख सकते हैं मैट फिनिश के अंदर है, बिल्ड क्वालिटी भाई ठीक ठाक है केस की। ईयरबड्स के मैग्नेट्स को भी देख के लेते हैं, ये आप ये देख सकते हैं भाई ईयरबड्स गिरेंगे नहीं। ईयरबड्स भी मैं आपको दिखा दूं, सामने आपको X बना हुआ मिलेगा, यही इसका टच एरिया है। नीचे वाली साइड पे आपको माइक्रोफोन मिलेगा, सिंगल माइक्रोफोन इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे, और भाई यही इसकी LED लाइट है। अंदर आपको मैट फिनिश के अंदर मिलेगा, अंदर ही आपको चार्जिंग पिन मिलेगी, इसकी सिलिकॉन क्लिप्स काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे साइज के अंदर आते हैं भाई, बहुत ज्यादा लाइट वेट ईयरबड्स है। अंदर से आपको मैट फिनिश के अंदर मिलते हैं, इन ईयर डिजाइन मिलता है, फिट टेस्ट भी कर लेते हैं, कान में लगाकर दिखा दूं। या आप ये देख सकते हैं भाई, इस तरह से कान में लग जाते हैं, अच्छे से फिक्स हो जाते हैं, ईयर कैनाल्स को ये अच्छे से सील भी कर देते हैं। मेरी आवाज मुझे कम सुनाई दे रही है, शेक करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई देख सकते हो अच्छे से ये फिक्स हुए हैं, रनिंग करो, जिम में जाओ, कैसे भी किसी तरह से भी यूज करो भाई, कानों से ये बिल्कुल भी आपके स्लिप नहीं होंगे। उनके साथ मैंने पेयर कर लिया है, इसका मॉडल नंबर दिखा दूं, एडिफायर X3 प्लस, और एपटेस आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसी ईयरबड्स के टच कंट्रोल में आप लोगों को दिखा दूं, 1 टैप के ऊपर म्यूजिक को प्लेन पॉज कर सकते हैं दोनों ईयरबड्स है। राइट वाले से डबल टैप करोगे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जाओगे, लेफ्ट वाले से डबल टैप करोगे वापस प्रीवियस सॉन्ग की तरफ आप आ जाओगे। किसी भी ईयरबड्स के ऊपर 3 टाइम टैप करोगे तो आप गेम मोड में एंटर कर जाओगे। किसी भी ईयरबड्स के ऊपर होल्ड करके रखोगे, वॉइस असिस्टेंट को आप ऑन कर सकते हो, कॉल आती है, 1 टैप के ऊपर कॉल को रिसीव करोगे, 1 टैप के ऊपर कॉल को एंड करोगे, 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखोगे, कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल इसके अंदर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। साउंड क्वालिटी का मैं आप लोगों को बता दूं भाई, 6 mm के डायनेमिक ड्राइवर इसके अंदर दिए गए। सोच रहे होगे यार छोटा ड्राइवर है, लेकिन भाई इस ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी तबाही है। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पावरफुल, हैवी, जबरदस्त, बढ़िया, कमाल की और कोई वर्ड है भाई, सारे वर्ड यूज कर सकता हूं इसके लिए। बहुत ज्यादा जबरदस्त साउंड क्वालिटी है, सराउंडिंग बेस इसके अंदर दी गई है, म्यूजिक सुनोगे इंजॉय करोगे, लाउडनेस भी इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी दी गई है, और भाई क्लियरिटी का तो जवाब ही नहीं है। बैकग्राउंड में किस इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज है, सारी साउंड की आवाज आपको क्लियर क्लियर सुनाई देती है, मैन वोकल, फीमेल वोकल क्लियर सुनाई देते हैं, किसी भी किस्म का डिस्टॉर्शन नहीं है। फुल के ऊपर मैंने सारे म्यूजिक सुने भाई, किसी भी किस्म का डिस्टॉर्शन फील नहीं हुआ। मैंने हर एक किस्म के म्यूजिक सुने, बेस वाले, नॉर्मल, एक्स्ट्रा बेस वाले, भाई हर एक म्यूजिक को
अच्छे से इंजॉय किया है। यार मैं आप लोगों को बता दूं, इस वक्त 4000 रुपए की रेंज के अंदर इस तरह की साउंड क्वालिटी किसी भी ईयरबड्स के अंदर आपको नहीं मिलेगी। X3 की भी साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा कमाल की थी, इसकी भी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, इंजॉय करोगे। अगर किसी को 4000 रुपए रेंज है और बहुत ज्यादा म्यूजिक लवर है, बहुत ज्यादा हैवी पंची बेस के साथ म्यूजिक सुनना पसंद है और क्लियरिटी भी हर एक चीज की चाहिए, तो इस ईयरबड्स के साथ आप लोग जरूर जाइएगा। दोस्तों इस वक्त जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो Edifier X3 प्लस की माइक की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और इंडोर रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। इस ईयरबड्स के जरिए इंडोर किसी को कॉल करोगे तो दोस्तों आप जज कर सकते हो आपकी जो वॉइस है वो सामने वाले बंदे को इस तरह की जाने वाली है। अब दोस्तों जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो Edifier X3 प्लस की माइक की रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं और आउटडोर रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। इस ईयरबड्स के जरिए आउटडोर किसी को कॉल करेंगे, आपके बहुत ज्यादा शोर है, ट्रैफिक की आवाज है, नॉइज है, क्राउड में बैठे हैं, तो दोस्तों फिर आप जज कर सकते हो आपकी जो वॉइस है वो आउटडोर में इस तरह की जाने वाली है। बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं, केस के अंदर आपको 350 mAh की बैटरी दी गई है और ईयरबड्स के अंदर आपको 50-50 mAh की बैटरी दी गई है। लेकिन भाई 50 mAh की बैटरी काफी ज्यादा पावरफुल बैटरी रही है, इसके अंदर आपको कॉलकॉम की 30-40 चिप मिल रही है, जिसकी वजह से भाई बैटरी पावर इसका बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। सिंगल चार्ज के ऊपर आपको 8 घंटे की बैटरी टाइमिंग दे रहा है। केस के अंदर रख के 3.5 टाइम इसको चार्ज करोगे, केस के साथ बैटरी टाइमिंग आप लोगों को 28 घंटे की मिल जाएगी। टाइप सी वाली पोर्ट इसके अंदर आप लोगों को दी गई है, केस को चार्ज होने में तकरीबन भाई 2 घंटे लग जाते हैं और ईयरबड्स को जीरो से फुल चार्ज करोगे तो तकरीबन आपको 1.5 घंटा लगेगा। इस ईयरबड्स के अंदर आपको IP55 डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ रेटिंग भी मिल रही है। इस ईयरबड्स के ऊपर थोड़ा बहुत पानी के छींटे चले जाए या आप इसको पहनकर बाहर गए हो और वहां पर भाई अचानक बारिश हो जाती है तो बारिश के पानी के छींटे थोड़े बहुत चले जाए, या इसको आप जिम में यूज करते हो वहां आपको स्वेटिंग हो रही है, या भाई आप बहुत ज्यादा धूल मिट्टी वाली जगह पर काम करते हो बहुत ज्यादा डस्ट उड़ती है, तो ये इन सब चीजों से सेव रहेंगे। इस ईयरबड्स को भाई कुछ भी नहीं होने वाला है।游戏模式开。दोस्तों हम आ गए अपने फाइनल डिसीजन की तरफ, भाई कॉल टेस्ट आप लोगों ने देख लिया, गेमिंग टेस्ट भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इस ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी रही है, इसके अंदर आपको CVC 8.0 मिल रहा है। ये टेक्नोलॉजी आपकी कॉल्स को बहुत ज्यादा बेहतर बनाती है, 70-75% तो ये नॉइस को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपकी कॉल क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी रहती है। सामने वाली बंदे की आवाज क्लियर सुन सकते हो, अपनी आवाज आप क्लियर सुना सकते हो आउटडोर भी और इंडोर भी। और आप लोगों ने गेमिंग केस भी देखा, अगर आप लोगों ने ध्यान लगाया हो तो भाई गेमिंग के लिए भी ये ईयरबड्स काफी ज्यादा अच्छे रहे, ना होने के बराबर लेग था। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने गेम मोड ऑन किया तो भाई ना होने के बराबर लेग था। आप इस ईयरबड्स के जरिए गेमिंग भी अच्छे से कर सकते हो। बाकी बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी ज्यादा अच्छी रही है और साउंड क्वालिटी तो भाई कमाल की है, लाजवाब है। कॉल क्वालिटी हर एक चीज, यार बैटरी टाइमिंग भी भाई आप लोगों ने देखा 8 घंटे आपको सिंगल चार्ज के ऊपर ये दे देगा, तो 4000 रुपए की रेंज के अंदर ये ईयरबड्स काफी ज्यादा अच्छे रहे इस महंगाई के दौर में। तो भाई अगर आप लोग लेना चाहते हो तो नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, चाइनीज वर्जन नहीं है, इंग्लिश वर्जन नहीं है, तो चाइनीज वर्जन अगर आप लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक से जरूर करके जाना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में आप लोग जरूर बताना ये ईयरबड्स इसकी प्राइस के हिसाब से आप लोगों को कैसे लगे। अब मैं आप लोगों से जा चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।